नमस्कार, आप देख स्टेटमेंट टीवी। हरियाणा के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कल रात को लोगों के पास भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया होने के मैसेज आने के बाद शहर के लोगों में हड़कंप मच गया। आज भारी संख्या में लोग नगर परिषद कार्यालय में एकत्रित हो गए और जोरदार हंगामा मचाया। लोगों का कहना था कि उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ है, फिर भी उनके पास हजारों व लाखों रुपए में प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने के मैसेज आ रहे हैं। यह मैसेज भी रात को आए, जिस कारण रात भर उनकी नींद हराम रही। उन्होंने बताया कि कई लोगों के पास तो लाखों रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स के मैसेज भेजे गए हैं। एक व्यक्ति के पास तो 7 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया का मैसेज आया है। वही शहर में ऐसे लोगों के पास भी नोटिस आया है जिनके नाम कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। इन लोगों के पास भी भारी भरकम टैक्स भरने के मैसेज आए हैं। वही शहर में अनेक लोग जिनकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, उनको कमर्शियल प्रॉपर्टी दिखाकर टैक्स भरने को कहा गया है। जिन लोगों ने अपना पिछला टैक्स भर रखा है और उनके पास रसीद नहीं है, तो उनको भी परेशान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नब के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। हरियाणा लेवल पे ही जैसे हरेक म्यूनसिपलिटीज का, जितनी भी हरियाणा म्यूनसिपलिटीज हैं, उनका 80 कंपनी द्वारा सर्वे किया गया था 2016-17 में। और अब जो बिल डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य चल रहे हैं, और इसी तरह हेड ऑफिस से ही ये मैसेज भी आए हैं कि किसी का कोई टैक्स है, किसी का कोई, अगर किसी ने अपना टैक्स भरा हुआ है ना, तो वो इस मैसेज को इग्नोर कर दे। क्योंकि मान लिया जिसने मैं अपना जो भी ड्यूज है अगर वो भर रखा है, तो उसे इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी इसके अतिरिक्त अगर मैसेज आया है या बिल भी हमारे ये यासी कंपनी के गए जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो सर्वे था वो 16-17 का था, और हमारे म्यूनसिपलिटी के रिकॉर्ड में यदि वो प्रॉपर्टी चेंज होगी और आगे किसी और के नाम होगी है, तो उसमें भी उसमें आवेदक को घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना नोटिस ला के, यासी कंपनी वाले बंदे बैठे हैं ऊपर, सुपरवाइजर बैठे हैं कौशल, उससे मिलके और उसको एप्लीकेंट को कोई कागज देने की आवश्यकता नहीं, उसको ये बोले कि ये प्रॉपर्टी मेरे आगे ट्रांसफर हो चुकी है और ये फला आदमी के नाम हो चुकी है, ये मेरा नोटिस है, आप इस नोटिस को नगर परिषद के रिकॉर्ड के अनुसार सही कर दे, तो सर, वो इसमें तुरंत सही कर देगा। सर रात को 1:30 बजे मैसेज आना, पब्लिक एकदम वो होगी, एकदम टेंशन में होगी, किसी का बीपी लो हो गया, टेंशन हो गया। सकते हैं सर, इसे भी टेक्निकल इशू रहा है इसमें, अगर मान लो तो कईयों का बहुत कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये नगर परिषद लेवल का मैटर नहीं है, ये तो हेड ऑफिस से आपकी बात हुई है, कंपनी के कर्मचारियों से, कंपनी के कर्मचारियों से बात हुई है अभी, यासी कंपनी के, वो भी ये बता रहे हैं कि हेड ऑफिस लेवल पे ही ये मैसेज हुए हैं। लेकिन अगर जो दिक्कत नहीं है वो अगर अपना जो भी किसी का कोई ड्यूज है अगर उसने भर रखा तो वो इस मैसेज को इग्नोर कर दे। ऑलरेडी हमारे पास भी जैसे हम कोई बिजली का बिल है, जैसे हमारे पास भी कोई मैसेज आते हैं अगर हम भर देते हैं, तो उसके नीचे ये भी लिखा होता है कि अगर हमने ये पेमेंट कर दी है तो प्लीज इग्नोर इट। तो इसी तरह ये भी मैसेज यही है कि अगर ऑलरेडी किसी ने अगर इसकी अदायगी कर रखी है तो इसको इग्नोर। सर एक लड़का वहां बैठा है, आप जो कंपनी का नाम कह रहे हैं, जो आप फर्म उसका नाम कह रहे हैं, मतलब एक लड़का वहां बैठा है ना, तो उसके पास कोई और लड़के बैठे वहां, पब्लिक 20-30 लोग, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, वो अपनी समस्या को लेकर जा रहे हैं, एक बंदा कैसे उनको हैंडल करेगा? वो शुरू में एक लड़का था, उसके बाद अब 4-5 बंदे बैठे हुए हैं जो यानी कि जो भी समस्या है उनको सुन रहे हैं। मोस्टली क्या है कि दिक्कतें यही आ रही हैं कि ये सर्वे जो हुआ था 16-17 में हुआ था, हमने ऑलरेडी उस फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।